हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रसोई 2.0। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रसोई 2.0 में। आप देखकर समझ ही गए होंगे आज मैं आपके साथ कौन सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ। जी हाँ, ये है बीटरूट पराठा। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है और बनाने में बहुत ही आसान। चलिए इसके लिए देखते हैं क्या क्या चाहिए हमें। ये मैंने लिया है आटा, लगभग एक कप के बराबर आटा है ये। दो बीटरूट से पराठा बनेंगे। इसमें मैंने डाला है, लिया है बेसन। ये मसाला रोस्ट करने के लिए है। बेसन आप इसकी जगह आटा भी यूज कर सकते हैं। और ये मैंने लिया है धनिया पाउडर, लगभग दो चम्मच के करीब है ये बेसन और धनिया पाउडर दोनों। नमक लेंगे आप स्वाद के अनुसार, और लाल मिर्च भी आप स्वाद के अनुसार लेंगे। लाल मिर्च थोड़ा तेज ही रखें क्योंकि बीट मीठे होते हैं, इसमें लाल थोड़ा स्पाइसी मिर्च का स्पाइसी अच्छा लगता है। आप थोड़ा स्पाइसी रखें इसको, इसलिए मैंने डेढ़ चम्मच के करीब मिर्च लिया है। और ये मैंने लिया है जीरा, साबुत जीरा है ये। और साथ ही लिया है मैंने ये गार्लिक पाउडर। और ये लिया है थोड़ा सा चाट मसाला। और हींग लेंगे आप थोड़े से स्वाद के अनुसार। अजवाइन भी डाली है ये, अजवाइन है ये। और थोड़ी सी कलौंजी, काला जीरा। और ये मैंने स्टफ़ करने के लिए इसमें चीज लिया है थोड़ा, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें। बीट को मैंने ग्रेट करके एक घंटे फ्रिज में रखा था, इसका पानी निचोड़ के एक घंटे तक इसको फ्रिज में रखते ताकि एकदम सूख जाए। और ये मैंने लिए हैं प्याज, इनको लंबा काट लिया है। खोल लेना है इनको एक एक अच्छे से, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ उस तरह से खोल लें आप प्याज को सारा, ताकि पराठे बेलते समय फटे नहीं। और ये लिए है दो हरी मिर्च, इनको भी आप बारीक बारीक काट लें। और ये जो मैंने पानी निकाला है बीट का, उसमें मैंने आटा लगा लिया है। पानी आप फेंके नहीं, उसी में आटा लगा लें। इसी तरह से आप अगर मूली के बनाते हैं, लौकी के बनाते हैं, तो उसका भी पानी फेंके नहीं, उसी में पराठा आटा लगा लें। लगाते समय थोड़ा सा नमक और अजवाइन डाला है। ये आटा लगा लिया है मैंने इसका एकदम सॉफ्ट पराठे के लिए। इसको भी मैंने लगाकर एक डेढ़ घंटे फ्रिज में रखा है। चलिए मसाला स्टफ करने के लिए फ्राई करते हैं। हल्का सा ऑयल लेना है हमें, लगभग एक चम्मच के करीब। तेल को गर्म होने दें अच्छे से। गर्म होने के बाद आप इसमें डालें जीरा, एक चम्मच जीरा है ये, साबुत जीरा। फ्राई करें आप इसे अच्छे से। थोड़ी सी हींग डाली है, हींग की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है पराठे में। और ये डाली है मैंने कलौंजी, साथ ही डाल रही हूँ मैं हरी मिर्च। हरी मिर्च को भी आप रोस्ट कर लें। फ्राई की हुई हरी मिर्च पराठे में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और ये प्याज को, दो बड़े प्याज हैं, इनको अच्छे से इस तरह से खोल कर डाल लें मसाले में। खोलना है इनको, ये आप स्टेप करें, खोल कर डालें, नहीं तो आपके पराठे फट जाएंगे। ये देखिए इस तरह से प्याज सारे खोल लें। अब मैं डाल रही हूँ इसमें बेसन। बेसन की जगह आप सूजी डाल सकते हैं, आटा डाल सकते हैं। सिर्फ हमारे मसाले को ड्राई रखना है, इसीलिए मैंने ये डाला है। साथ ही डाल रही हूँ मैं धनिया पाउडर। नमक डाला है स्वाद के अनुसार, लगभग एक चम्मच करीब नमक है ये। और लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ। और ये डाला है मैंने लहसुन पाउडर। आप इस समय अगर आपको पाउडर डालना है तो आप इस समय डालें, और अगर आपको साबुत लहसुन लेनी है तो आप तेल में पहले डाल लें। और साथ ही डाल रही हूँ मैं ये बीट। बीट एकदम सूख चुके हैं, इनका पानी एकदम सूख चुका है। चलिए शुरू करते हैं बेलना। दो मिनट मसाले को रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। चलिए बेलना शुरू करते हैं। ये देखिए इस तरह से एक पेड़ा ले लें परौंठे के लिए। परौंठे थोड़े बड़े ही होते हैं, अच्छे लगते हैं। रोटी की तरह बेल लें आप परौंठों को, छोटा बेलना है। उसके बाद हम मसाला स्टफ करेंगे इसमें। मसाले को ज़्यादा नहीं भुनना है, मसाले को सिर्फ खुशबू आने तक भुनना है, ताकि इन सब चीज़ों का पानी निकल जाए, मॉइस्चर निकालने तक भुनना है। ये देखिए मसाला हमारा कैसा सूखा है। अभी आप स्टफ करें इसमें। ये लगभग तीन चम्मच के करीब मैंने मसाला डाला है इसमें। बहुत ही स्वादिष्ट परौंठे बनते हैं। आप इसी तरह से लौकी के परौंठे, मूली के परौंठे बनाएंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ चीज़, ये ऑप्शनल है, अगर आप चीज़ डालेंगे तो और भी ज़्यादा स्वाद लगेगा।
चीज़ मैंने डाला है, चीज़ परोठा बनाया है। चीज़ का इसमें बहुत ही अच्छा टेक्सचर आ रहा है। ये देखिए इस तरह से आप इसे हाथों से फोल्ड कर लें, हल्के हाथों से दबाते हुए फोल्ड करें। आप आकार जो भी लें, आप शेप जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, गोल बनाना चाहें तो गोल बना सकते हैं। ये मैंने चौकोर परोठे बनाए हैं इसीलिए मैं इस तरह से शेप दे रही हूँ। ये देखिए चौकोर परोठे बनाने से मसाला इवनली सब तरह से स्प्रेड होता है, इसीलिए मैंने चौकोर बनाए हैं। थोड़ा सा इस तरह से आटा लगाकर हल्के से हाथों से इसे प्रेस करें, इस तरह से। पहले बेलन से नहीं बेलना है, इस तरह से आप मसाले को सब तरफ से सेट कर लें। ये देखिए इस तरह से सेट कर लें मसाले सारे। फिर आपको हल्के हाथ से बेलन की सहायता से बेलना है इसे। सूखा आटा लगा लें थोड़ा सा ऊपर। वैसे तो हमारा मसाला सूखा है, पानी नहीं है, फिर भी हल्के हाथों से इसे बेलें। ये देखिए पूरा अच्छे से बेल चुका है हमारा परोठा, फ्राई होने के लिए तैयार है। अब हम इसे सेकेंगे। मसाला इवनली पूरे में फैल चुका है। हल्का सा एक नॉन स्टिक पैन पर घी लगाएं। आप बटर चाहें बटर लगा सकते हैं, देसी घी जो भी आपके पास अवेलेबल है आप उसे लगाएं। ये मैंने देसी घी में फ्राई कर रही हूँ, हल्का सा और ग्रीस किया है। अच्छे से एक बार एक तरफ सेकने दें परौठे को, फिर दूसरी तरफ सेकें और लगभग नीचे से थोड़ा सा सिकने के बाद ही आप ऊपर घी अप्लाई करें, इससे हमारा परौठा फूलेगा। ये इसकी टिप है। आप एक साथ घी अप्लाई नहीं करें, नहीं तो परौठा फट जाएगा। धीरे धीरे आप घी अप्लाई करते रहें और प्रेस करते हुए इसे फ्राई करें, सेकें हल्के हाथ से। शैलो फ्राई करना है हमें इसे। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथ से घी को इस चारों तरफ फैलाना है। ये देखिए हमारा परौठा किस तरह से फूल कर तैयार हुआ है। बहुत ही करारा परौठा बना है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा, आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अभी ठंड का मौसम आएगा, इसमें मूली, बीट, गाजर, लौकी, आप इसके परौठे बनाएं और दही हरी चटनी के साथ सर्व करें। ये देखिए मैंने परौठे बनकर तैयार हुए हैं, मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ परौठा किस तरह से पूरी लेयर खुली है इसकी, अंदर से चीज़ दिख रही है। ये देखिए कितना क्रिस्पी परौठा बना है, एकदम कचौरी के जैसा। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। खोलते ही इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, आप इसे नाश्ते में ज़रूर ट्राई करें। दही और चटनी के साथ सर्व करें, गरम गरम परौठे आप घी और मक्खन के साथ सर्व करें, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।